सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरर। तो क्या हाल यार आप सब लोग की, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो यार आज की वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं जॉनाथन के साथ। तो कल आपको मैंने बताया था कि स्नैक्स ने इंडिया बेस्ट प्लेयर वाले क्वेश्चन में जॉनाथन का नाम लिया था एंड बताया था कि अचीवमेंट्स जो जॉनाथन के पास हैं वो बताते हैं कि वो बेस्ट क्यों हैं। एंड इसके साथ जॉनाथन को जब ये मालूम पड़ा तो आप देख सकते हो जॉनाथन ने यार क्या रिएक्शन दिया। स्नैक्स अप्रिशिएटेड यू एंड सेड दैट यू आर द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया एंड वो बोला है कि आपके आसपास कोई है नहीं। अरे ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ भाई, सब लोग बेस्ट है। जितने भी लोग स्नैक्स वगैरह जितने भी है स्काउट वगैरह सब बेस्ट है भाई, अकेले नहीं कि मैं बेस्ट हूँ। बट मैं अभी वो बेस्ट का समझ रहा हूँ, एकदम बेस्ट का बेस्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ, फुल ग्राइंड चालू है अभी। वर्ल्ड में अपने को नेक्स्ट लेवल बेस्ट बनना है वर्ल्ड में, तो समझ रहे हो उसका ग्राइंड चल रहा है अभी। मेन फोकस आपको ही पता है कि BGIS का होने वाला है, तो लेट्स फोकस गाइस। ग्राइंड अपना रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच भाई, स्नैक्स भी लिटरली नेक्स्ट लेवल प्लेयर है भाई। स्नैक्स भी बहुत भाई दिल के बहुत करीब है वो बंदा भी। अब बात कर लेते हैं अल्फा क्लैशर के बारे में। तो रिसेंटली ड्यूरिंग लाइव वो हाइड्रा बूट कैंप के कुछ लीक्स देते हैं एंड ये कहते हैं कि बूट कैंप का व्लॉग नेक्स्ट हफ्ते में हाइड्रा फैंस को देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं GXR के बारे में। तो GXR मैटर में आपने अब तक ये देखा कि GXR ने प्लेयर्स को बेंच कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच की वजह से किया एंड GXR प्लेयर्स के रिस्पॉन्ड भी देखे और कम्युनिटी में गेमर्स के ओपिनियन भी। बट अभी हाल ही में GXR ऑर्गेनाइजेशन ने एक और स्टेटमेंट मीडिया में बताया जिसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के बारे में भी बताया। एंड GXR का ये कहना है कि GXR वन ऑफ दोस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बैन पीरियड में भी प्लेयर्स को सैलरी दी, चाहे वो कोई कॉन्टेंट क्रिएट करे या ना करे, चाहे वो खेले या फिर ना खेले। GXR ऑर्गेनाइजेशन ने दो में से एक इन्विटेशन लाइनअप के लिए बुक किया PMPL अरेबिया के लिए। GXR प्लेयर्स के दुबई ट्रिप पर आने जाने, खाने पीने, बूट कैंप, PC सेटअप, शेफ, वीडियोग्राफर, एडिटर, टीम मैनेजर सब कुछ दिया। एंड इसके अलावा जो भी प्लेयर्स ने डिमांड करी वो सब उनको मिला। एंड इसके बाद GXR ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के बारे में बात करी, यानी कहा कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सब कुछ प्रोवाइड किया। एंड इसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच को एलैबोरेट किया कि प्लेयर्स बिना बताए बूट कैंप छोड़ करके UAE छोड़ करके इंडिया चले गए, काफी सारे प्रमोशनल एक्टिविटीज के टाइम पर प्लेयर्स गायब रहे, मैनेजमेंट टीम के साथ कॉर्पोरेशन नहीं किया एंड इन्हीं रीजन से प्लेयर्स को बेंच किया गया। आगे बेंच से पड़ने वाले इफेक्ट पर GXR ने स्टेटमेंट दिया कि बेंच से किसी भी प्लेयर का इन गेम कैरियर खराब नहीं हो रहा एंड ऐसा हर फील्ड में होता है जब प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज करते हैं, चाहे वो क्रिकेट या फुटबॉल ही क्यों ना हो। आगे GXR ने यह बताया कि अगर प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्गेनाइजेशन को ऑनर करना बंद कर देंगे तो पूरा इकोसिस्टम ही खराब हो जाएगा एंड प्लेयर्स बेंच रहेंगे और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उनका ध्यान रखा जाएगा। और सो GXR ने यह भी कहा कि वो बेंचिंग स्टेटस को हटा देंगे अगर जैसे ही प्लेयर्स बूट कैंप पर वापस आते हैं और दोबारा से प्लेयर्स ई-स्पोर्ट्स खेलते नजर आएंगे। अब ये थी यार GXR साइड की स्टोरी, बट कहीं ना कहीं एक सवाल ये सब पढ़ने के बाद मन में जरूर आता है कि आखिर ऐसा वहां पर क्या हुआ होगा जिसकी वजह से वो सारे प्लेयर्स बूट कैंप छोड़ करके वापस इंडिया आ गए। और इसी के जवाब के बारे में अल्ट्रॉन ने ये कहा कि हर स्टोरी की दो साइड होती है, सेम वैसे ही जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और रॉक्स ने भी ये कहा कि अदर साइड सच बाहर आ ही जाता है चाहे कितना ही टाइम लगे। स्पेस सिड भी ये स्टेटमेंट देते हैं जो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो कि किस तरह का प्रेशर है यार जो अपनी साइड की स्टोरी सामने लाने से रोक रहा है। तो ये था यार पूरे GXR मैटर के बारे में अपडेट। एंड आपको क्या लगता है कि ऐसा वहां पर क्या हुआ होगा कि GXR के जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया वापस आ गए? आप इस पूरे मैटर पर अपने थॉट्स और ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं थग के बारे में। तो थग ने रिसेंटली काफी चीजों के बारे में बात करी ड्यूरिंग लाइव, जैसे कि आपको पता होगा कि सोल फैंस दिल से चाह रहे हैं कि सोल की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो एंड इसी के चलते वो थग से काफी सवाल पूछते हैं जैसे सोल गिल। एंड थग रिस्पॉन्ड करते कि सोल गिल जैसा कुछ भी नहीं होने वाला। और सन रेगल्टॉस परफॉर्मेंस, थग ये कहते कि वो क्या ही बोलेंगे, जो चल रहा है चलने दो। और सो थग उसी लाइव में ये बताते हैं कि अमन शायद CS के पार्ट आगे नहीं रहेंगे क्योंकि शायद CS में भी अमन को निकालने की बात चल रही है, और अगर ऐसा होता है तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है क्योंकि वो अमन के साथ हैं। और सो उनसे पूछा जाता है कि अगर उनको मौका मिलता गॉर्डन लाइनअप को हायर करने का तो क्या वो ऐसा करते या नहीं करते। एंड थग रिप्लाई में ये कहते हैं कि उनके लिए टीम सोल सोल नहीं है अगर उसमें मॉर्टल ना हो तो। एंड वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि अगर सोल लाइनअप में एटलीस्ट दो पुराने सोल के प्लेयर नहीं होंगे तो यार सोल लाइनअप किस बात की। सोल सिर्फ एक ई-स्पोर्ट्स लाइनअप नहीं बल्कि सोल एक इमोशन है। एंड वो फ्यूचर के बारे में भी ये बताते हैं कि सोल की ई-स्पोर्ट्स लाइनअप में दो सोल के प्लेयर्स तो कन्फर्म रहेंगे ही रहेंगे। एंड ऑन परफॉर्मेंस वो ये कहते हैं कि मावी और स्काउट से उनको कोई भी कंप्लेंट नहीं है। अब बात कर लेते हैं मॉर्टल के बारे में। सो ड्यूरिंग लाइव मॉर्टल ने बात करी सोल की टॉप 3 चीज जो सोल अच्छे से कर रही है और टॉप 3 थिंग्स जो सोल को इंप्रूव करनी है। एंड मॉर्टल रिप्लाइज की डूइंग वेल में इंप्रूविंग एज अ टीम एंड नॉट डूइंग वेल में रियल लाइफ में प्रैक्टिस की प्रायोरिटी। ऑल्सो हैकर्स मॉर्टल ये कहते हैं कि कोई भी क्रिएटर इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि क्राफ्टन भी डे बाय डे काफी हैकर्स को बैन करता है। एंड आज 500 हैकर अगर बैन करवाओगे भी तो अगले मिनट में वो 500 और अकाउंट बना करके वापस से हैक करने लगेंगे। तो बस यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी यार वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी यार अब मैं भी चलता हूं और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।